दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कहीं जाने की जल्दी में था। वो एयरपोर्ट पर फ्लाइट की टिकट लेने जाता है लेकिन उसे टिकट नहीं मिलती। इसके बाद जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक फैमिली दिखाई देती है जो कि छुट्टियां मनाने कहीं पर जा रही थी। वो आदमी उस फैमिली के पास आता है और उन्हें बहुत सारे पैसे देकर उनका टिकट खरीद लेता है। जिसके बाद वो जैसे ही प्लेन पर चढ़ने के लिए जाता है तभी उसे पीछे से कोई शक्ति अपनी तरफ खींच लेती है और वो आदमी प्लेन से सीधा एक वैन में पहुंच जाता है। उस वैन में कुछ लोग बैठे थे और वो उसकी नकली दाढ़ी मूछें निकालकर उसकी घड़ी अपने पास रख लेते हैं। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है मंगेश लुल्ला। वो एक एंटीक शॉप में जाता है जहाँ पर वो एक टाइपराइटर की फोटो क्लिक करके उसे इंटरनेट पर बेचने के लिए डाल देता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने कॉलेज निकल जाता है। उधर कॉलेज में हम प्रोफेसर झंझनाहट को देखते हैं जो कि बच्चों को साइंस पढ़ा रहा था। फिर क्लास खत्म होने के बाद मंगेश लुल्ला उनके पास जाता है जो कि उसका बाप था। मंगेश लुल्ला उसे कहता है कि पापा अब हमें एक कार ले लेनी चाहिए, जिस पर उसका बाप कहता है कि भोसड़े के तेरी औकात है कार चलाने की, चुपचाप इस साइकिल पर अपनी गांड टिका और सीधा अपने घर निकल। इसके बाद मंगेश अपने काले बहुत ही ज्यादा काले दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम होता है काली बांसुरी। अब वो दोनों बकचोदियां कर रहे थे कि तभी उसकी नजर एक मस्त सी लड़की पर पड़ती है, जिसको देखकर मंगेश लुल्ला काली बांसुरी से कहता है कि भाई इसकी तो चूचियां बहुत ही सॉलिड है। इस पर काली बांसुरी कहता है कि भाई ये पिंकी पिट वाले है जिसकी तितली का कॉलेज के हर लड़के ने चमगादड़ बनाया है। मंगेश लुल्ला कहता है कि फिर तो मैं भी चमगादड़ बनाऊंगा और वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगता है। लेकिन पिंकी पिट वाले उसे कहती है कि बावली चला जाए यहाँ से, तेरी लुल्ली लेने से अच्छा तो मैं यहाँ से गिरकर मर जाऊं। अब मंगेश लुल्ला निराश होकर वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन घर आकर वो एक कार के शोरूम में कॉल करता है और अपने लिए एक कार बुक कर लेता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर उसका बाप भी आ जाता है, जहाँ पर मंगेश लुल्ला उसे कहता है कि पापा मैंने कार बुक कर दी है, अब बस जल्दी से शोरूम जाकर हम उसे ले आते हैं। लेकिन इस पर उसका बाप कहता है कि बावलीकांड तेरे को सुबह समझाया था ना, अपनी औकात देखकर बात किया कर, अब निकल भुसड़ी के यहाँ से। अभी सुनकर मंगेश लुल्ला निराश हो जाता है और वहां से अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद हम प्रोफेसर झंझनाहट को देखते हैं जो कि अपने गोडाउन में एक घड़ी जैसे डिवाइस के ऊपर काम कर रहा था। इसी दौरान वहां पर उसकी वाइफ आती है और उसे कहती है कि मंगेश लुल्ला तुम्हारे ही सफेद खून से पैदा हुआ है, हमारे उसी से नहीं, इसलिए अगर तुम उसकी बात नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। इस पर प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारा बेटा एक नंबर का चूतिया है, चलो ठीक है फिर भी मैं जाकर उससे बात करता हूँ। जिसके बाद वो उस घड़ी को वहीं पर पैक करके रख देता है और मंगेश लुल्ले से बात करने उसके कमरे में आता है। लेकिन मंगेश लुल्ला वहाँ पर बैठा अपने बाप को गालियाँ दे रहा होता है। अब ये सब सुनकर उसके बाप को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद उस बेसमेंट में प्रोफेसर की बेटी सफाई करने आती है, जिस दौरान उसे गलती से वो घड़ी नीचे गिर जाती है जो कि प्रोफेसर झंझनाहट ने वहाँ पर रखी हुई थी। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ प्रोफेसर का गिरा हुआ सामान उठाकर ऊपर ले आती है। इस दौरान मंगेश लुल्ला उस सामान में से उस घड़ी को देख लेता है और उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्त काली बांसुरी के साथ कॉलेज जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ निब्बे आते हैं और काली बांसुरी को डामर का टुकड़ा बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। वहीं पास में से पिंकी पिट वाले भी गुजर रही थी और तभी वो दोनों निब्बे उसके पास जाकर पूछते हैं कि हमारे घोड़े की सवारी करोगी, लेकिन ये सुनकर पिंकी पिट वाले की सटक जाती है और वो उनमें से एक के मुंह पर कॉफी फेंक कर वहां से चली जाती है। तभी वो लोग गुस्से में मंगेश लुल्ले को ही लपेट लेते हैं और उसे धक्का देकर वहां से चले जाते हैं। अब मंगेश को देखकर पिंकी पिट वाले उसकी मदद करने उसके पास आती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मंगेश कहता है कि मेरी लुली छोटी तो है लेकिन मेरे अंदर का स्टेमिना बहुत ज्यादा है। अभी सुनकर पिंकी पिट वाले उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपना एड्रेस देकर कहती है कि यहाँ पर मेरी बजाने के लिए आज दोपहर को पहुंच जाना। फिर दोपहर होते ही मंगेश लुल्ला बहुत ही एक्साइटमेंट में पिंकी पिट वाले के घर पहुंचता है और सोचता है कि आज तो मैं उसकी पीछे से लूंगा। लेकिन वही पिंकी पिट वाले उससे अपने घर का काम करवाने लगती है और कचरा उठवाती है। फिर पिंकी पिट वाले मंगेश लुल्ले से पूछती है कि टाइम क्या हुआ है, तो मंगेश अपनी जेब में से वो घड़ी निकालता है और उसे टाइम बताता है, जिसके बाद वो उस घड़ी को पहन लेता है। अब जैसे ही मंगेश उस घड़ी का एक बटन दबाता है तभी उसे एक झटका महसूस होता है। मंगेश लुल्ला सोचता है कि ये क्या हुआ, जिसके बाद हम देखते हैं कि मंगेश लुल्ले के पीछे जो लड़की झूला झूल रही थी वो वहीं पर ही रुक गई है। लेकिन मंगेश लुल्ले को उसका कोई अंदाजा नहीं था और वो वापस अपना कचरा उठाने के काम पर लग जाता है। इसी दौरान उसे वहां पर एक बड़ा सा चूहा दिखाई देता है जो कि वहां पर स्टॉप हो चुका था। मंगेश लुल्ला उसे डराकर भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो चूहा नहीं हिलता, जिसके बाद मंगेश उसे उठाकर पिंकी को दिखाने के लिए उसके घर के अंदर ले आता है। लेकिन अंदर आकर वो देखता है कि वहाँ पर पिंकी पिट वाले एकदम फ्रीज हो चुकी है और ये सब ऐसा लग रहा था कि समय अचानक रुक सा गया हो। लेकिन तभी चीजें वापस नॉर्मल हो जाती है और उस बड़े से चूहे को वहाँ पर देखकर पिंकी पिट वाले की फटकर 464 हो जाती है। मंगेश लुल्ला पिंकी पिट वाले से माफी मांगता है और कहता है कि वो चूहा तो मर चुका था, जिस पर पिंकी पिट वाले उसे कहती है कि बछड़ी के फिर वो जिंदा कैसे हो गया। अब
मंगेशुल्ला अपनी घड़ी देखने लगता है, लेकिन तभी पिंकी पिट वाले गुस्सा होकर उस पर पानी डालने लगती है, लेकिन तभी वो पानी उसकी घड़ी पर गिरता है और टाइम फिर से स्टॉप हो जाता है। अब उस रुके हुए पानी को देखकर मंगेशुल्ला हैरान रह जाता है और तब जाकर उसे समझ आता है कि ये सब इस घड़ी की वजह से हो रहा है। तभी वो उस घड़ी के बटन को फिर से दबाता है और टाइम फिर से नॉर्मल हो जाता है। वहीं पिंकी पिट वाले उस चूहे वाली बात से अभी भी गुस्सा थी, इसलिए वो मंगेशुल्ले को घर से बाहर निकाल देती है। मंगेशुल्ला पिंकी पिट वाले को मनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो उस घड़ी के बटन को फिर से दबा देता है, जिससे टाइम फिर से स्टॉप हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार पिंकी पिट वाले ने मंगेशुल्ले के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था, इसलिए वो स्टॉप नहीं होती, जिसके बाद वो अपने सामने सब कुछ रुका हुआ देखकर हैरान रह जाती है। पिंकी पिट वाले पूछती है कि ये सब तुमने किया, जिस पर मंगेशुल्ला कहता है कि ये सब इस घड़ी की वजह से हुआ है। मेरे डैड एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और शायद ये प्रोजेक्ट इस घड़ी का ही था। तभी वो वहाँ पर एक मधुमक्खी को देखते हैं, जिसके पंख तो बहुत तेज चल रहे थे, लेकिन वो मधुमक्खी उसी जगह पर ही स्टॉप हो चुकी थी। जिसके बाद जब मंगेश अपनी घड़ी देखता है तो उसमें टाइम बहुत तेज चल रहा था। मंगेशुल्ला कहता है कि मेरे डैड किसी डॉक्टर फुस्की के लिए काम कर रहे थे, जो कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड के ऊपर था, जिसका मतलब था कि इनको जो भी रुका हुआ दिखाई दे रहा है वो असल में रुका हुआ नहीं था, बल्कि इन लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। दोस्तों वैसे ही जैसे फ्लैश भागता है तो उसे सब कुछ रुका हुआ या फिर स्लो दिखाई देता है। इसके बाद वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और टाइम को स्लो करके मजे करने लगते हैं। वो एक कुत्ते को उठाते हैं जो कि मूत रहा था और उसे उठाकर एक कार में रख देते हैं। इसी तरह कॉलेज के जो लड़के उसे परेशान किया करते थे वो उनके पेंट स्प्रे के कैन पर होल कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी की लोकेशन को चेंज करके उनके मूवमेंट को बदल देते हैं। फिर जैसे ही वो टाइम को वापस नॉर्मल करते हैं तो ये सब होता है। फिर ऐसे ही मजे करने के बाद शाम को मंगेशुल्ला पिंकी पिट वाले को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर अंदर जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे को दबाकर चूसते हैं। इसके बाद मंगेश टाइम को फिर से स्लो कर देता है और बकचोदिया करते करते अपने घर पहुंचता है। लेकिन घर के अंदर जाने से पहले उसे महसूस होता है कि घर के अंदर कोई पहले से ही है। वो घर के अंदर जाता है और वहां से सीधा बेसमेंट में जाता है। इसी दौरान उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई तो है, और फिर जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसके सामने एक लड़की आकर उस पर बंदूक चलाने लगती है, लेकिन मंगेश उससे बच जाता है और तभी उसके पीछे खड़ा एक आदमी फ्रीज हो जाता है। अब ये देखकर मंगेश वहां से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। मंगेश भागकर एक वैन के पीछे छुप जाता है और तभी उसे कोई वैन के अंदर खींच लेता है, और ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर फुस्की होता है। इसके बाद मंगेश वैन चालू करता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं वैन में डॉक्टर फुस्की अपनी हथकड़ी खोल लेता है और मंगेशुल्ले से उसकी घड़ी छीनने की कोशिश करता है, जिस वजह से घड़ी का बटन दब जाता है और चीजें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। डॉक्टर फुस्की मंगेश से वो घड़ी लेने ही वाला था कि तभी वो वैन से टकरा जाता है और उससे बाहर गिर जाता है, जिसके बाद वो वैन भी बैलेंस में ना होने की वजह से नदी में गिर जाती है। तभी ऊपर से डॉक्टर फुस्की उसे चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन उस घड़ी को भीगने मत देना, लेकिन तभी वो घड़ी भी भीग जाती है। फिर कुछ देर बाद जब मंगेशुल्ले की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है, क्योंकि उसके ऊपर वैन को चोरी करने का इल्जाम लगा था। अब इससे बचने के लिए मंगेशुल्ला उस घड़ी का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन घड़ी पानी में जाने की वजह से काम करना बंद कर देती है। फिर वो हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर देखता है तो वहां पर वो लोग भी पहुंच चुके थे जो कि उसके पीछे पड़े थे। अब उसको देखकर वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और घड़ी को सुखाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी वो घड़ी चालू नहीं होती। अब वो लोग मंगेश को पकड़ने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं कि तभी टाइम वापस स्लो हो जाता है, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता और वो लोग मंगेशुल्ले को वहां पर ढूंढने लगते हैं। लेकिन मंगेशुल्ला वहां पर पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर उनको चकमा दे देता है और बाहर आकर टाइम को वापस नॉर्मल कर देता है। उधर हम उन लोगों के लीडर झपट्टा कुमार को देखते हैं, जो कि अपने आदमियों से कहता है कि भेड़ के लोगों, तुम लोगों से एक बच्चे को पकड़ा नहीं जाता। जिसके बाद वो अपने लोगों को वापस बुला लेता है, क्योंकि अब उसका प्लान मंगेशुल्ले के बाप को पकड़ना था। इसके बाद मंगेश पिंकी पिट वाले के घर पहुंचता है और उसे सब कुछ बता देता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे जल्दी से जाकर अपने बाप से मिलना होगा। अब ये सुनकर पिंकी पिट वाले उसे अपनी कार की चाबी देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी। अब वो लोग जैसे ही मंगेश के बाप को लेने उसके होटल पहुंचते हैं, तभी उस होटल में पहले से ही झपट्टा कुमार पहुंच जाता है और प्रोफेसर झंझनाहट को किडनैप कर लेता है। इसके बाद जब वो लोग रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर प्रोफेसर झंझनाहट नहीं मिलता। इसके बाद जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, तभी वहां पर एक कचरे का ट्रक आता है और उन्हें उठाकर कचरे में डाल देता है। हम देखते हैं कि ये काम डॉक्टर फुस्की का होता है, जिसके बाद वो मंगेश से कहता है कि भोसड़े मेरी घड़ी कहां पर है। तभी पिंकी पिट वाले उसके मुंह पर एक जोर की लात मारती है, जिससे गुस्सा होकर डॉक्टर फुस्की उन दोनों को ट्रक से बाहर फेंक देता है और उनसे अपनी घड़ी मांगने लगता है। अब मंगेशुल्ला अपनी घड़ी निकालकर उसे देने ही वाला था कि तभी पिंकी पिट वाले उसे फिर से लात मारकर बेहोश कर देती है।
इसके बाद वो दोनों उसे बंदी बना लेते हैं और कहते हैं कि तुम साबित करो कि तुम ही असली डॉक्टर फुस्की हो। तभी डॉक्टर फुस्की मंगेश लुल्ले के पूरे खानदान का नाम बता देता है, जिससे साबित हो जाता है कि वो ही असली है। फिर मंगेश लुल्ला उसे पूछता है कि झपट्टा कुमार हम लोगों से क्या चाहता है। डॉक्टर फुस्की कहता है कि उसे वो घड़ी चाहिए ताकि वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सके। तभी मंगेश लुल्ला उसे वो घड़ी देता है और कहता है कि आपको ये फिर से ठीक करना होगा क्योंकि पानी में गिरकर ये खराब हो चुकी है। इसके बाद वो तीनों उस घड़ी को ठीक करने के लिए मार्केट से कुछ सामान लेने जाते हैं। उधर पिंकी पिट वाले दुकान पर काम करने वाले लौंडों को बिजी करके रखती है और वहीं डॉक्टर फुस्की और मंगेश लुल्ला दुकान से सामान को चोरी कर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग एक जगह पर छुपकर उस घड़ी को वापस ठीक कर देते हैं। फिर वो तीनों झपट्टा कुमार की लैब में चुपचाप घुस जाते हैं, लेकिन डॉक्टर फुस्की अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो लोग मुझे फिर से पकड़ लेंगे, इसलिए यहाँ से तुम ही लोग जाओ। लेकिन इस पर मंगेश लुल्ला कहता है कि बोस के तेरी वजह से ही हम लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इसलिए तेरे को तो साथ चलना ही होगा। लेकिन डॉक्टर फुस्की एक नंबर का ढीठ आदमी था और इतना सुनने के बाद भी वो अंदर जाने से मना कर देता है। अब उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन दोनों को ही अकेले अंदर जाना पड़ता है। उधर झपट्टा कुमार के लोग उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे आते हैं, लेकिन वो दोनों उन पर नाइट्रोजन गन से हमला करके उनको फ्रीज कर देते हैं। इसके बाद मंगेश लुल्ला उनसे बचते हुए अपने बाप को बचाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर झपट्टा कुमार के आदमी आ जाते हैं और वो उसे फ्रीज कर देते हैं, जिसके बाद झपट्टा कुमार मंगेश लुल्ले से उसकी घड़ी छीन लेता है। इसके बाद जब वो लोग मंगेश लुल्ले को उसके बाप के पास लेके जाते हैं तो मंगेश देखता है कि उसका बाप उस टाइम लूप में काम करते करते बूढ़ा हो चुका है। मंगेश लुल्ला अपने बाप से मिलता है, जहाँ पर उसका बाप उसी पर ही गुस्सा करने लगता है कि बोसके तू यहाँ पर आया ही क्यों। वहीं दूसरी तरफ हम दलाल को देखते हैं, जो कि झपट्टा कुमार से उसका वो प्रोजेक्ट खरीदने आया था, लेकिन झपट्टा कुमार उसे अभी अंदर आने से मना कर देता है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ था। लेकिन दलाल ऐसे कैसे मानने वाला था, और वो अपने लोगों के साथ लैब की दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उधर अंदर मंगेश लुल्ला और उसके साथियों को कैसे भी करके बाहर निकलना था। तभी मंगेश लुल्ला अपनी जेब में से घड़ी निकालता है और कहता है कि उस चूते को तो मैंने नकली घड़ी दी थी और ये घड़ी असली है। जिसके बाद जब वो उस घड़ी को चालू करता है तो उसका शरीर इतना तेज हो जाता है कि वो किसी भी चीज के आर पार जा सकता था। फिर वो उस चैम्बर से बाहर निकलता है, लेकिन तभी झपट्टा कुमार के लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर मंगेश लुल्ला फ्लैश की स्पीड में वहां से भाग जाता है। उधर झपट्टा कुमार जैसे ही चैम्बर को ओपन करता है, तभी वो देखता है कि वहां पर डॉक्टर झंझनाहट और पिंकी पिट वाले नहीं होते, और तभी वहां पर एक जोर का ब्लास्ट होता है जिससे झपट्टा कुमार का पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाता है। इसके बाद मंगेश लुल्ला अपने बाप और पिंकी पिट वाले को देखने आता है, जो कि एक अंडरग्राउंड टेबल के नीचे छुपे हुए थे। अब वो लोग वहां से भागने लगते हैं कि तभी झपट्टा कुमार उठकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर फुस्की पहुंच जाता है और झपट्टा कुमार पर हमला करके उसे फ्रीज कर देता है। इसी दौरान वहां पर दलाल भी पहुंच जाता है, जो कि असल में एक सरकारी आदमी था, और वो झपट्टा कुमार और उसके लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, जिसके बाद मंगेश लुल्ला और उसका बाप अपने घर पर आते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं। उधर हम देखते हैं कि मंगेश लुल्ले ने एक नई कार खरीद ली थी, जो कि वो हमेशा से लेना चाहता था। इसके बाद पूरा परिवार उस कार में बैठकर जाने लगता है कि तभी कुछ पुलिस वाले उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, पर तभी अचानक टाइम फिर से स्लो हो जाता है, जिसका मतलब था कि वो घड़ी अभी भी मंगेश लुल्ले के पास में ही थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।